हो जाएगा अब प्राइस कितने लेने वाले अपने साला चल तो भाई लोग आप लोग देख सकते हैं ये हमारा है टीम के लिए जो आज हम लगाने वाले हैं हमारा आयरन फाइव वी फोर पे ये भी रेडी हो चुका है और अपना बैग लेते हैं और चलते हैं बाइक को टीम के लिए लगाने के लिए और बाइक जो है अभी कॉल स्टार्ट होने वाला है तो गाइस बाइक जो है कोल्ड स्टार्ट हो चुका है आप लोग देख सकते हैं बाइक का जो आरपीएम है वो नॉर्मल पर आ चुका है आप लोग देख सकते हैं और अभी जाने वाले हैं हम तेल डीजल चेंज करने के लिए तो काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं हमारा चैनल पे और आज हम जाने वाले हैं हमारा पेंथर को मॉडिफाई करने के लिए यानी कि इसका जो स्टॉक वाला तीन टी डी है वो आज हम चेंज करने वाले हैं कि इससे पहले तीन टी डी जो है वो बाइक को जो है इतना अट्रैक्टिव लुक नहीं देता है और अभी जो हम तीन टी डी चेंज करने वाले जो लगाने वाले छोटा वाला लगाने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे देता है इसीलिए हम मॉडिफाई करने वाले हैं और सामने हमारा दोस्त रुका हुआ है वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा जो दोस्त है वो आ चुका है और मेरा दोस्त ही मैकेनिक है जो कि हम एक साथ पढ़ते हुए थे जो 10 स्टैंडर्ड में हम क्लास 6 से पढ़े हुए थे और मेरा दोस्त जो है वो अभी आ चुका है तो कैसा हो अच्छा हो ठीक हो ना ठीक हो तो आज जो बाइक का तिल टी चेंज करने वाले पहला अभी चेंज किए हो आप हाँ बहुत बार बहुत बार बहुत बार नहीं चार बार हुआ है मेरा सबसे चार बार हाँ चार बार तो आज मेरा वाला चेंज करने वाला हो जाएगा तो, तो, तो इसका जो अब प्राइस कितने लेने वाले अबे साला चल तेरे ये बॉय फिर भी बता दो ऑडियंस को बता दो 250 मतलब कि खर्चा पानी के लिए 250 और टीटी जो है वो एक्स्ट्रा है मैंने जो आप लोगों को दिखाया वो मैंने ऑर्डर किया हो लास्ट में आप लोगों को बता दूंगा वो कहाँ से आप लोगों को मिलने वाला है तो अभी चलते हैं तो भाई लोग हम आ चुके हैं शॉप पे जो कि हमारा बाइक का टील टी डी चेंज करने वाले हैं और ये रहा अपना टील टी डी आप लोग देख सकते हैं इसका जो है ये हम यहाँ पर लगाने वाले हैं जो कि स्टॉक वाला है ये हम पूरा खोल देंगे तो पहले जो है इसका यहाँ से खोलने वाले हैं उसके बाद नंबर प्लेट जो है यहाँ से खोलेंगे और यहाँ पर लगा देंगे और अभी का जो लुक है ना लुक आप लोग देख सकते हैं जो स्टॉक वाला टील टी डी है कुछ ऐसा देखने को मिलता है अपना भाई जो है अपना भाई यहाँ पर काम करता है तो भाई को काम करते हुए कितना साल हुआ है ये तो चार साल चार साल तो मैंने जब 10th पास किया था 10th पास करके कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ था और मेरा भाई जो है यहाँ पर एडमिशन लिया हुआ था जो कि काफ़ी अच्छा है काम भी अच्छा करता है और अभी जो है मेरा जो बाइक है आज मेरा बाइक का मॉडिफाई करने वाला है यानी कि टीटीडी जो है वो चेंज करके देगा और पता नहीं कितना कॉस्ट लेने वाला है मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है ज़्यादा नहीं लूँगा तो वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उतना भी नहीं लेने वाला है फिर भी आप लोगों को बता देंगे कि ये कितना कॉस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं जो स्टॉक वाला टीटीडी है वो अभी खुल चुका है आप लोग देख सकते हैं और इसका जो नंबर प्लेट है ना नंबर प्लेट भी खोलना पड़ेगा इंडिकेटर दोनों और इंडिकेटर भी खोलना पड़ेगा लेकिन ये आपको नहीं होगा लाइट ये आप लोगों को नहीं आएगा जो नंबर प्लेट लाइट है ना ये आप लोगों को नहीं आने वाला है बाइक का लुक अभी देख सकते हैं बिना टीटीडी के कुछ ऐसा लग रहा है अपना पेंथर तो इसका जो कवर है कवर भी हम खोलने वाले हैं क्योंकि कवर से जो है इतना अट्रैक्टिव लुक नहीं आता है और अभी जो है हम जो ऑर्डर करे हुए थे ये टील टी डी ये यहाँ पर लगाने वाले हैं आप लोग देख सकते हैं तो भाई लोग आप लोग देख सकते हैं फाइनली जो है हमारा नंबर प्लेट यहाँ पर लग रहा है आप लोग देख सकते हैं और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर हमको जो है एक प्रॉब्लम हुआ है ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है इंडिकेटर जो है स्टॉक वाला इंडिकेटर नहीं लगेगा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लगाने के लिए हमको जो है जो KTM का इंडिकेटर है यानी कि मोटिवेशन इंडिकेटर हमको लगाना पड़ेगा यहाँ पर जो है स्टॉक वाला इंडिकेटर आप लोग नहीं लगा सकते तो अभी जो है आप लोग देख सकते हैं जो नंबर प्लेट है TDD तो चेंज हो चुका है आप लोग देख सकते हैं लेकिन
यहाँ पर जो है प्रॉब्लम जो है एक प्रॉब्लम है, अभी जो है यहाँ पर इंडिकेटर नहीं लगा सकता। जो लुक है ना, लुक आप लोग देख सकते हैं इसे से कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो है इसमें जो है इंडिकेटर अभी तक नहीं लगा हुआ है। तो अभी इसका जो लुक है ना, लुक आप लोग देख सकते हैं। इसका जो पीछे का मेडगार्ड है ये भी हमने खोल दिया है, और इसका लुक जो है अभी देख सकते हैं। लेकिन ये जो है आज हम फिर से लगाने वाले हैं। इसका जो लुक है, लुक दिखाने के लिए अभी खुला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पीछे से कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन बारिश के दिन जो है ये जो है प्रॉब्लम देगा आप लोगों को, क्योंकि जो कीचड़ वगैरह है ना आपको जो है पीठ पे बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो वह लोग फाइनली जो है हमारा बाइक का जो TDD है ये चेंज करना कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। पीछे से आप लोगों को दिखा देते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं इसका जो TDD है ये फुल्ली चेंज हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो इंडिकेटर जो है वो स्टॉक वाला नहीं लगने वाला है, जो मोटिवेशन इंडिकेटर है वही लगने वाला है। इसलिए जो है इंडिकेटर हम दूसरे दिन चेंज करने वाले हैं। लेकिन TDD जो है वो अभी चेंज हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और इसका जो प्राइस कटिंग है, प्राइस हमने ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये जो फ्रेम है ना, फ्रेम हमने ऑनलाइन से 400 से ऑर्डर दिया हुआ था, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो है ये फोल्डिंग सिस्टम नहीं है, और एक फ्रेम मिलता है जो कि है फोल्डिंग सिस्टम, जो कि यहाँ से फोल्डिंग होता है, लेकिन वो जो है काफ़ी हल्का होता है और पुलिस प्रॉब्लम भी आप लोगों को हो सकता है। लेकिन मैंने जो है ये फोल्डिंग सिस्टम नहीं लगाया हुआ है, ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी हेवी है, इसीलिए जो है ये हमने लगाया हुआ है। और जो इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर हम दूसरे दिन लगाने वाले हैं। और अभी जो है इसका जो प्राइस है ना, ये आप लोगों को 400 में मिल जाएगा। और जो लेबर चार्ज है, यानी कि मेरा जो दोस्त है वो पैसा नहीं लेने वाला है, लेकिन जो मैकेनिक शॉप में आप लोगों को 200 या 300 में ये काम कर देगा, थोड़ा बहुत कम भी ले सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैकेनिक के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेनली जो है ये जो है 400 में आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोग ये वाला शॉप से लेते हैं और डायरेक्टली लगाते हैं तो आप लोगों को 700 या 800 खर्चा हो जाएगा। तो इस वीडियो को यही पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो या सेकेंड सर्विसिंग के कंटेंट होगा, या जो इंडिकेटर चेंज है इंडिकेटर हम चेंज करने वाले हैं। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि कौन सा वाला इंडिकेटर लगाया जाए, जो बजाज वाला इंडिकेटर है या KTM वाला इंडिकेटर लगाए, या देशों में जो एक इंडिकेटर मिलता है वो वाला लगाया जाए। तो मैं अभी सोच रहा हूँ, तो बाद में सोच के आप लोगों को दिखा दूंगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना कि कौन सा वाला इंडिकेटर हमको लगाना चाहिए, कौन सा वाला इंडिकेटर जो है यहाँ पर सूट होगा, यानी कि काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।